अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? आज हम बना रहे हैं गोश्त का अचार। उसके इंग्रेडिएंट्स ये रहे, ये रहा 1 kg गोश्त, ये रहा नमक, ये रहा अदरक लहसुन, ये रही हल्दी, ये रही मिर्ची एक बोल, ये रहा 2 tablespoon जीरा, कलौंजी पाउडर, ये रहा धनिया, ये रहा 1 tablespoon मेथी, ये रही राई, ये रहे बघार के सामान, ये रहा ऑयल, ये रही मिर्ची, ये रहा जीरा, इसे हम बघार लेंगे। लास्ट में हम डालेंगे शाहजीरा। हम इस गार्लिक को क्रश कर लेंगे, बघार में डालेंगे। और हमें नींबू की जरूरत है। हम इन नींबूओं का रस निकाल लेंगे। लास्ट में हम नींबू डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम इस गोश्त को नमक और अदरक लहसुन लगाकर प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लेंगे। ये जब नरम हो जाएगा इसे हम फ्राई करेंगे। कुकर में डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और हम अदरक लहसुन डाल लेंगे अच्छा सा। इसको अच्छे से मिलाकर हम इसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। हमने अच्छे से मिला लिया है। जब तक हमारा गोश्त गले जाता है तब तक हम इन मसालों को रोस्ट कर लेंगे। फिर इसको हमें ग्राइंड करना है। हमने हमारा मसाला रोस्ट कर, इस तरीके से हमें रोस्ट कर लेना है हमारा सारा मसाला। हम ये सारे नींबू का रस निकाल लेंगे। हमने सारा रस निकाल लिया है। इसे स्ट्रेन कर लेंगे, इसका कचरा अलग कर लेंगे। हम इस तरीके से हम छान लेंगे। हमारे बीज अलग हो गए हैं। ये हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से शानदार से गल चुका है और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी है, इसे हम सुखा लेंगे। हमने तो थोड़ा भी पानी नहीं डाला, फिर भी इतना पानी इसमें आया है। इसे एक्चुअली इस प्रेशर कुकर में नहीं गलाया जाता है, मैंने गला लिया है। इसे वैसे ऐसे ही पकाया जाता है। इसे पैन में कच्चे गोश्त को भून लिया जाता है अदरक लहसुन और नमक लगा के। बट मैंने आसान, इसे आसान हो जाना है इसीलिए मैंने इस तरीके से इसे प्रेशर कुकर में गलाया है। ऑप्शनल है, आप गलाना है तो गलाइए, या ऐसे ही प्रेशर कुकर में बनाइए या पैन में बना लें। इसमें का पानी अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें तेल डालेंगे, अच्छा फुल तेल डालेंगे इसके अंदर। हमने इतना तेल डाल दिया है इसमें, यह फुल था, इतना बचाया हमने बघार के लिए। सारे का सारा तेल डाल लिया, ये मग फुल तेल था, हमने सारा डाल लिया है। अब ये जो तेल बचा है इसमें हम बघार लेंगे इसको। इसको अच्छे से तलना है, इसको हमें कड़क तलना है, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है हमें इसे, रेड कर लेना है। ये बिल्कुल रेड हो जानी है तब तक इसे हमें तलना है, ब्राउन हो जाना है। ये हमें इतना तलना है कि ये ब्राउन हो जाए। इसे बीच बीच में चलाते रहना है, लेकिन ये नीचे से लग जाएगा, इसीलिए हमें चलाते रहना है। हमने गोश्त को अच्छे से ब्राउन कर लिया है। इसमें हम आप जीरा डालेंगे, जीरा धनिया जो मसाला है वो डालेंगे, मिर्ची लास्ट में डालेंगे, और बघार तो बहुत ज़रूरी है, उसमें हमें लहसुन डालना है। हमने इसमें इतना सारा तेल डाला था, सारा तेल इसमें अब्जॉर्ब हो चुका है। इसे हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे से इस तरीके से पकड़ लेगा। तो हमें हमारी करछी ये जो है चलाती रहना है, इसको नीचे से लगने नहीं देना है, कंटिन्यूसली चलाना है इसे। इसमें अब हम जीरा, हमारा जो भी वो इंग्रेडिएंट्स है वो डाल लेंगे। हम तवे में तेल डालिए हैं, इसमें हम जीरा, लाल मिर्च और लहसुन डाल लेंगे। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डाल लेंगे। ये रहा जीरा, धनिया, मेथी, कलौंजी, और ये रही हमारी मिर्ची, हल्दी, नमक, हम सब इसमें डाल लेंगे। शाहजीरा, दालचीनी, काली मिर्ची, कॉपचीनी, इसे हम मिला लेंगे। हमने सारे मसाले डाल लिए हैं। इसमें नमक और मिर्च थोड़ी सी बढ़ के होनी है, नहीं अगर ये कम होती है तो हमारा अचार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए हमें नमक और मिर्च अच्छी सी डालनी है, तेज़ तेज़ रहना है, हमें नमक और मिर्ची को तेज़ तेज़ करना है। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। इसमें अब हम हमारा बघार डालेंगे जो हमने तेल रखा है। ये हमारा जीरा है, इसमें हम लहसुन भी डाल लेंगे। हम लहसुन इसलिए डालेंगे, बहुत ही शानदार सी खुशबू आती है हमारे लहसुन से, इसलिए हम इसमें क्रश किया हुआ लहसुन डाल लेंगे।
हमने इसमें लहसुन डाल लिया है, इसे अच्छे से ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमारी लाल मिर्ची जो थी वो भी डाल लेंगे इसमें हम। बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है लहसुन की। हमारा बघार बहुत ही शानदार से हो चुका है, इसमें इसको अब हम अचार में डाल लेंगे। मैंने बघार ठंडा होने तक, जब बघार ठंडा होने के बाद में इसमें डालनी है, ये जो बघार है इसे ठंडा हो जाना है इसी पे तवे पर ही, उसके बाद मैं अचार में डालूंगी। अब मैं इस अचार को एक बोल में ट्रांसफर कर लूंगी। ट्रांसफर करने से पहले हम इसमें नींबू का रस डाल लेंगे, हमारा हमने जो निकाला था। ये रहा हमारा नींबू का रस। हमें इसे लास्ट में इसलिए डालना है, अगर हम जब ये गोश्त या अचार जब गर्म रहता है तब डालने से थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, इसीलिए नींबू के रस को लास्ट में डालना है हमें, इसलिए मैंने इसे सबसे लास्ट में डाला है। जब बघार ठंडा हो जाएगा हमारा, हम इसमें इसको उस बघार को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी, उस बघार को इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। अब सबसे पहले मैं इसे एक बोल में निकाल लूँगी। हमने हमारा बघार भी इसमें ट्रांसफर कर लिया है। बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। मैंने जितना गोश्त लिया था इसका, इसमें अगर हम 2 kg गोश्त लेते हैं तो तले, जब ये तले जाता है बहुत ही अच्छे से, तो उसके बाद ये 1/2 kg हो जाता है। मैंने जितनी भी क्वांटिटी ली थी उसमें से ये आधी क्वांटिटी हो गई, 1/2 quantity। नींबू का रस आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें इसमें। ये बन चुका और सब तैयार आ चुका है।